यही चमत्कार है बाबा जी की, बाबा की बहुत कृपा है। एकदम अचानक मर गई थी, बिल्कुल नमः देना तक नहीं। अच्छा, कोई नहीं कहता तो जिंदा होगी। अच्छा, छुट्टी चार दिन की मैं जश्न मनाऊंगा, होले के छुट्टी चार दिन की मैं जश्न मनाऊंगा। खाटू श्याम मेरे बाबा जी का जश्न मनाऊंगा, खाटू श्याम मेरे बाबा जी का जश्न मनाऊंगा। होठा पे तेरा नाम हो बाबा, पूजा की सजरी थाली, ओ ध्यान रवे से तेरे में और हाथा की बाजे ताली। ओ शीश झुके तेरे चरणा में मैं मगन हो जाऊंगा, ओ शीश झुके तेरे चरणा में मैं मगन हो जाऊंगा। ओ खाटू श्याम मेरे बाबा जी का जश्न मनाऊंगा, खाटू श्याम मेरे बाबा जी का जश्न मनाऊंगा। ओ कद का देखू बाट हो बाबा, दर्शन का हो गया आदि, तेरी भक्ति में होया दीवाना, जिंदगी तेरे नाम लगा दी। ऐसा अनोखा दर्शन तेरा किते न पाऊंगा, ऐसा अनोखा दर्शन तेरा किते न पाऊंगा। खाटू श्याम मेरे बाबा जी का जश्न मनाऊंगा, खाटू श्याम मेरे बाबा जी का जश्न मनाऊंगा। से कर लू सबर हो बाबा, मेरे घर भी आना है, बीच बवर में अटकी नैया आके पारी लगाना है। वो सोया बाग जगा दे बाबा, तेरे गुण गाऊंगा, वो सोया बाग जगा दे बाबा, तेरे गुण गाऊंगा। खाटू श्याम मेरे बाबा जी का जश्न मनाऊंगा, खाटू श्याम मेरे बाबा जी का जश्न मना। बोलो महन जी महाराज की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो खाटू श्याम बाबा की, बोलो श्याम प्यारे की।
बोलो महन जी महाराज की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो मनोना धाम की, बोलो श्याम प्यारे की। सड़ी पैर की जी, और उसके बाद से जो है वो 2015 से मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। उससे पहले दौड़ता भागता सब काम करता था। अच्छा, बैठने में मतलब दिक्कत नहीं आपको? बैठ नहीं पाते थे आप? नहीं, अब 2015 से नहीं बैठ पा रहा हूँ। 2015 से जी। तो आज आप मनोरंजन धाम खाटू श्याम जी मंदिर आए हैं, महन जी से मिले हैं, तो इस समय आप जो बैठे हुए हैं, कैसे आपको फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतना भी नहीं बैठ पाता था। अच्छा, क्या बात है। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा हुई आज मनोरंजन धाम में आपकी। हाँ, बहुत। आज आप बरसात के बीच में आए हैं, भीगते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा का प्यार आपको आज मिला है। जो मतलब जो आपने इलाज कराया था इस चीज का पहले? मैं सब करा चुका, सब जगह जी, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ था? नहीं। तो आज मनोरंजन धाम में आपको एक नई ऊर्जा मिली है, नई शक्ति मिली है। हाँ। कि आप बात क्या कहेंगे आप बहन जी का और माँ बाबा से? मैं तो जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत जो है मुझे इतना बिठा दिया, और चाहूँगा मुझे और थोड़ा बिठा दे ताकि मैं थोड़ा बात कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की, बोलो महन जी महाराज की, बोलो हारे के सहारे की।
देखिए यही चमत्कार है बाबा श्री श्याम खाटू श्याम मंदिर मनोना धाम का। और जो भी श्रद्धालु अगर देख रहे हैं वो देखिए बाबा श्री श्याम की कितनी अद्भुत कृपा हुई है। आप कौन है इनकी? मेरी पत्नी। अच्छा आप पत्नी है, कितना खुश है आज आप मनोना धाम। बाबा की बहुत कृपा हुई, जय हो मनोना। क्या बात है, तो आज आप बीतती हुई आयु आज मनोना धाम में, तो कहीं ना कहीं बाबा ने आपको आज उसका फल दिया है भीगने का। क्या बात है की जय। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की। क्या कृपा है मनोना धाम की यहाँ पर? बहुत बाबा कृपा है भैया, मेरी बेटी अच्छा अच्छा बिल्कुल ऐसी एकदम अचानक मर गई थी, बिल्कुल नमः देना तक नहीं। अच्छा बिल्कुल सही बता रहे, हमारी दुकानी है बोली बहु श्याम जल्ला श्याम जल्ला श्याम जल्ला के खिलाया और मेरी बेटी सही हुई। अच्छा तो ये तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई है। बाबा की बहुत चमत्कार है भाई। ये कौन सी बेटी है आपकी? इधर आओ इधर आओ। चलो कोई बात नहीं, तो इनको हो क्या गया था वैसे? अचानक तबीयत खराब हो गई थी, अचानक हो गई थी तबीयत खराब। तो आपने लगातार श्याम जल लिया है? हाँ। तो श्याम जल लेने के बाद में कैसा अनुभव हुआ था आपको? अच्छा हुआ, मतलब आप स्वस्थ हो गई। क्या बात है, तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई है। बहुत बढ़िया, तो बात कोई नहीं कहता था बचेगी। अच्छा जी जी कोई नहीं कहता था जिंदा होगी। अच्छा श्याम दल से मतलब फायदा हुआ है इनको, तो बाबा की कृपा बरस रही है। आना चाहिए लोगों को यहाँ पर। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की, बोलो महन जी महाराज की, बोलो हारे के सहारे की। जय जय श्री श्याम, जय हो मेरे श्याम प्यारे की। दोस्तों हमने आपको दिखाया था मनोना धाम की झमाझम बरसात, और उस बरसात में एक हमने शॉर्ट भी डाला था, काफी लोगों ने उसे पसंद किया। इन दोनों बच्चियों का, ये हमारी दोनों बच्चियां बहुत दूर से दंडवत बाबा के लिए करके आ रही थीं। बहुत तेज बरसात हो रही थी, आखिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि इनकी कोई मनोकामना पूरी हुई है या फिर कोई मनोकामना या कोई मन्नत बाबा से मांगने जा रही है। हमने इनसे बात की, बात के दौरान हमें जानकारी मिली जो कि बहुत ही चौंकाने वाली थी। इन दोनों बच्चियों से हम खुद पूछेंगे कि क्यों आखिर उन्होंने दंडवत की इतने घनघोर बरसात में, जहां पर लोगों का आना जाना भी मुश्किल था, वहां पर ये दोनों बच्चियां बहकर बरसात में दंडवत करती हुई बाबा के दरबार में जा रही हैं। अब हम आपको सीधे लेके चलेंगे बाबा के दरबार में, और इन बच्चियों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि आप इतनी बरसात में यहाँ पर बाबा के लिए, बाबा के प्यार में, बाबा के लिए समर्पण भाव से बाबा के लिए दंडवत लगाती हुई जा रही हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें, आगे भी बहुत सारे चमत्कार हैं इस वीडियो में, और पूरी जानकारी लेंगे इन बच्चियों से। इनकी बहुत बड़ी एक मनोकामना पूरी हुई मनोना धाम से। पहले तो हमें ये लगा कि कोई मनोकामना मांगने जा रही है, लेकिन जब हमने बात की तो बहुत चौंकाने वाली बातें इनके सामने आई। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग बने रहे हमारे इस वीडियो में, और जरूर जानें कि आखिर इन बच्चियों की ऐसी क्या मनोकामना थी जो कि मनोना धाम की एक ही अर्जी से इनकी पूरी हुई है, जबकि इनको मनोना धाम के बारे में पहले जानकारी नहीं थी। इन्होंने यूट्यूब से जानकारी जुटाई थी मनोना धाम के बारे में। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, मैंने बहुत दवाई खाई और सही नहीं हुई। जब मैंने श्याम बाबा से कहा कि मेरी सांस लेने में दिक्कत सही हो जाए तो अब सही है। अच्छा, तो आज बरसात में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मनोना धाम की आज बरसात में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से बिल्कुल कर पा रहे हैं। हाँ। तो कोई मनोकामना पूरी हुई थी? जी हमारी बहन की बहुत तबीयत खराब थी, उनका पैर बिल्कुल खराब हो गया था, वो चल नहीं पाती थी, अब वो आराम से चल फिर रही हैं और खा पी रही हैं, जा रही हैं आराम से। नहीं नहीं अपने पैरों पे चल रही हैं। क्या बात है, तो आपने अच्छी लगाई थी? जी तो बाबा ने आपकी पूरी कर दी? जी जी बिल्कुल, जी हाँ, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बारिश में आराम से जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। श्याम प्यारे की जय,
हार्ट प्रॉब्लम तो पहले से ही, अब बाल खराब था, लेकिन पैरों की दिक्कत अचानक आ गई थी। हाँ अचानक आ गई थी पैरों की दिक्कत, तभी हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट भी रहे। पैर बिल्कुल मेरे लटक गए थे, डॉक्टर ने बोला इन्हें ऋषिकेश से दिल्ली ले जाओ। फिर मतलब दिमाग में आया कि पहले मनाना धाम ले जाए, तो मैं यहाँ मनाना धाम लेके आए थे। मैं आप चौथी बार आई हूँ यहाँ पर मनाना, यहीं से मुझे आराम है। यहाँ के बारे में किसी ने बताया था आपको या फिर कैसे? नहीं, हमने मोबाइल पे देखा था, और जैसे हमारे गांव से और भी लोग आए थे। ऊपर देखा होगा? हाँ जी जी जी। तो आपको कहीं ना कहीं विश्वास हुआ था कि मनाना धाम में? बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। हाँ, लेकिन देख लिया हमारे साथ। और ये मेरी बेटी है भैया। आपने ऐसा यूट्यूब पर मोबाइल पर देखती थी, वैसा आपको हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे साथ में चमत्कार हुआ है। हम सुनते थे लेकिन अब चमत्कार हुआ, हमने देख लिया। आपने बिल्कुल लाइव देखा है बाबा का चमत्कार? जी जी। क्या कहना चाहोगी आप जो मनाना धाम अभी तक नहीं आए? जो लोग नहीं आए उन्हें आना चाहिए, उन्हें फायदा होगा। मनाना धाम सच्चे आना चाहिए। जी आप धन्यवाद लगाती हूँ आई हो बाबा को धन्यवाद। जी जी, बेटी है, इसको बहुत दिक्कत थी। एकदम अचानक कहती थी मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है। हमने काफी दिखाया तो यहाँ मनाना धाम लेके आए। और हम पिछली बार गए थे तो हमने अर्जी लगाई थी कि मतलब हो दूसरे दिन तीसरे दिन, कभी 12 बजे कभी 10 बजे कभी 1 बजे दिक्कत आ जाती थी, तुरंत लेके भागना पड़ता था। पिछली बार हम आए अभी 1 महीना पहले, 3 तारीख को आए थे, तो 4 तारीख को अर्जी लगा के गए थे कि मेरी बच्ची बिल्कुल सही रहा है और ये दंडवत करेगी। तो 1 महीना से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दवाई भी चल रही है और मतलब हाँ बिल्कुल सही, मतलब कृपा हुई है, तब से कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप भी दंडवत लगाती हैं? आज बरसात में आपने दंडवत लगाई है तो कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा। श्याम का प्यार मिला है? बिल्कुल मिला है, मिलता रहेगा। श्याम प्यारे की, बोलो मनाना धाम की, बोलो बहन जी महाराज की, बोलो लगदा तार की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बहन हमारे साथ खड़ी हुई है जो अब मनाना धाम काटू श्याम मंदिर में सेवादारी भी करती हैं, और किस प्रकार से उनको मनाना धाम के बारे में जानकारी हुई थी उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आप आई हुई हो? लखनऊ से। लखनऊ से, तो इतनी दूर से आके आप मनाना धाम में यहाँ पर क्या कर रही हो, कैसे आपको जानकारी हुई? मैंने YouTube पे आपका चैनल देखा और उसके माध्यम से आई हूँ। तो आपने हमारा चैनल देखा था उसके बाद आपको जानकारी हुई? अच्छा, तो ये बताइए, तो जैसे हम दिखाते हैं वैसा लगा आपको? तो अब आप यहाँ पर दर्शन करने आई हो या फिर कुछ सेवादारी करती हो? बाबा दर्शन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो यहाँ पर सेवादारी की प्रेरणा कैसे आपको मिली? खुद से आई या किसी ने आपको प्रेरित किया? खुद से आई। खुद से आई है। कितने समय से आप सेवादारी कर रही हो बाबा श्री श्याम? 15 दिन हो गए। 15 दिनों से आपको यहाँ मनाना धाम में कुछ बाबा की कृपा प्राप्त हुई है, एहसास हुआ है बाबा की कृपा का? तो यहाँ पर मन लग रहा है आपका मनाना धाम में? बहुत बहुत मन लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब बाबा की कृपा आपके साथ रही कि आपको YouTube से जानकारी प्राप्त हुई, उसके बाद बाबा ने आपको सीधे सीधे अपने चरणों की सेवा में लगाया, तो ये बाबा की कृपा आपके साथ प्राप्त हुई है? आगे भी मिलती रहेगी, भरोसा पूरा है? बहुत भरोसा है। बोलो श्याम प्यारे की। और ये हमारे जो है पुजारी जी है जो खाटू श्याम मंदिर मनाना धाम में, यहाँ पर पुजारी जी कितने यहाँ पर श्रद्धालु आ जाते होंगे? कम से कम 25 से लेकर 50 हजार आदमी रोज का यहाँ आ रहा है, श्रद्धालु रोज आ रहा है यहाँ पर। एकादशी में तो 1 लाख से ऊपर ही भक्त लोग संख्या रहती है, श्रद्धालु बढ़ते लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर पुजारी जी हैं, तो आपको कैसा लगता है बाबा श्री श्याम के यहाँ पर? उनके चरणों में रहते हैं, यहीं पर हमारा सब कुछ यहीं पर है, जो कुछ है। सारा समय बाबा के चरणों में रहता है जी। आप बहुत दुनिया के सबसे खुशकिस्मत और मतलब भाग्यशाली व्यक्ति है। सब बाबा की कृपा है, अच्छी बनी रहे हमारे ऊपर और सभी सेवादारों के ऊपर अच्छी बनी रहे। अपना शुभ नाम? मेरा नाम सतीश सिंह चौहान है सर जी। आप सेवादारी कर रहे हैं? 2 साल हो गए यहीं पर। जब तक मंदिर की बुनियाद यहाँ रखी हुई गई थी तभी से यहाँ पर हम सेवादारी कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया? 2 साल हो चुकी है। अपने चरणों में लगाए रहेंगे आपको? भरोसा हमें पूरा भरोसा।
बोलो श्याम प्यारे की धाम की। और ये एक हमारे ये भी सेवादार हैं भैया, श्याम बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। तो भैया क्या आपका शुभ नाम है? श्याम सिंह चौहान। श्याम सिंह चौहान, कब से आप बाबा की सेवा कर रहे हैं? मुझे एक सवा साल हो चुका है। मैं अपनी पत्नी को लेके आया था यहाँ ठीक कराने के लिए। मेरे ऐसा हुआ है, पत्नी तो ठीक हुई लेकिन मैंने बाबा को हमारे आपको समर्पित कर दिया, मैं यही रह गया हूँ। और बाबा से इतनी लगन है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बाबा के अलावा। घर पे जरा सा मन नहीं लगता, दिन निकला सीधा दरबार। तो आपको कोई समस्या थी? हाँ, उन्हें सांस की बहुत दिक्कत हो गई थी, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, बहुत परेशान था, बड़ा इलाज करा रहा था। मैं उन्हीं को लेके आया था उनके इलाज कराने के लिए, जल पिलवाने के लिए। लेकिन ऐसा बाबा ने कृपा करी कि मैं तो उसी दिन से बस बाबा के मैग्नेट की तरह चिपक गया। तो सेवादारी कर रहा था उसी दिन से, सेवादारी कर रहा हूँ। भरोसा, मैंने अपने आप को बाबा को समर्पित कर दिया। हरे के सहारे की, बोलो बोलो ना धाम की, बोलो मेहंदी महाराज की। हम गढ़ मुक्तेश्वर से आए हैं, मैं डॉक्टर सुजान चौहान, ये योगेंद्र चौहान, ये कपड़ा व्यापारी है। तो आज आप तो बरसात में आप आए हो बाबा के दर्शन करने? हाँ, बाबा के दर्शन करने आज बरसात में हम आए हैं। तो आज कैसा मतलब कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और दर्शन करके तो ऐसा लग रहा है कि अब सब कष्ट कट गए हैं। अच्छा, तो बाबा ने इतनी देर तक बरसात में रोका रखा, बरसात का समय था, तो ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने कम से कम बारिश के बहाने में इतनी देर रोक लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहली बार आया, हम पहली बार आए परिवार के सही। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी है, अपने आप ही दिमाग को भी रिलैक्स है अपने आप यहाँ पे। हाँ, ये मेरी वाइफ है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, पूरा प्यार बरस रहा है, और सारे भीज गए, भीजे पड़े हैं, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। बरसात का मौसम है, देखो बरसात के रूप में बाबा का प्यार, अरे पूरा प्यार बरसा आज, बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की, बोलो महेंद्री महाराज की, बोलो हरे के सहारे की। देखिए मनोना धाम में आज भयंकर धमाझम बरसात के बीच में इतने सारे श्रद्धालुगण यहाँ बरसात के बीचों बीच बाबा श्री श्याम के दर्शन करने, महंत महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनोना धाम में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बहुत ही अजीब दृश्य देखने को मिल रहा है, जबकि इतने झमाझम बरसात में लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। झमाझम बरसात के बीच में भी यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, महंत जी की आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। कैसा लग रहा है आज मनोना धाम में बरसात? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की कृपा लग रही है, बाबा का प्यार परोसा आज के लिए। क्या बात है, बोलो श्याम प्यारे की, बरसात के रूप में बाबा का प्यार और हम लोगों को इतना है कि नहीं, बहुत बरस रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बोलो हरे के सहारे की। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। आज प्रसाद में भीग क्यों आई हो? आज बाबा का दर्शन करने कैसा लग रहा है आपको? क्या बात है, बाबा का प्यार बरस रहा है। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की, बोलो महेंद्र जी महाराज की, बोलो श्याम प्यारे की। कितना अच्छा दृश्य देखने को मिला आज मनोरा धाम में। यहाँ पर देखिए श्रद्धालुगढ़ पन्निया लगा लगा के आ जा रहे हैं, सर ना भिजा हमारा गए लेकिन दर्शन करना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया, क्या दृश्य है आज मनोरा धाम का। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो मनोना धाम की। भैया सब भीगते हुए आ रहे हो, कैसा लगा आपको आज? कोई दिक्कत तो नहीं? बाबा की कृपा लग रही है आज? क्या बात है, देखिए यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु बने सब सब पूरे शराब हो रहे हैं आज बाबा के कारण। कैसा लग रहा है भैया भीगे हुए पूरे?
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्या बात है, लेकिन सब लोग मिट्टी हुआ रहे हैं, झमाझम बरसात बहुत तेजी से हो रही है। बहन जी ने बिल्कुल हाथ उड़वाया, बाबा की कृपा हो गई आपके साथ में कि नहीं? क्या बात है, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की। आज प्रसाद में भेजती हुआ रही, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबा का प्यार मिल रहा है आज? क्या बात है, बोलो हारे के सहारे की, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बाबा की कृपा हो रही आज? मनोना धाम का अनुपम और अद्भुत नजारा आज देखने को मिल रहा है। बरसात के बीच में हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बोलो हारे के सहारे की, बोलो मनोना धाम की, बहन जी महाराज की। आज बरसात में भीगी हो, बाबा की कृपा लग रही है आज? आप बताए बहन, कैसा लग रहा है मनोना धाम में? आज कृपा लग रही, बाबा का प्यार बरस रहा है, बहुत बढ़िया देखती हूँ आई पूरी आज। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की, बाबा का प्यार मिल रहा आज? अच्छा अच्छा भैया, कहाँ से आए आप लोग जी? थोड़ा हाँ भैया, कहाँ से आए? बोलो श्याम प्यारे की, कहाँ से आई हो आप लोग? मुरादाबाद से। आज पूरा भिगती हुई आई शराब और बाबा के प्यार में, क्या बात है, तो बढ़िया लगा आज मनोना धाम में? क्या बात है, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो मनोना धाम की, बोलो बहन जी महाराज की। कैसा लगा बहन आज मनोना धाम में आपको? आज पूरा देखती हुआ आई हो बिल्कुल शराब और बाबा के प्यार में, क्या आप आज बहुत बढ़िया, बाबा ने बुलाया आज मनोना, बहुत बढ़िया। बोलो श्याम प्यारे की, जय हो। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो मनोना धाम, बोलो बहन जी महाराज की। बोलो श्याम प्यारे की, आज बरसात में भिगती आई, कैसा लग रहा है आज मनोना धाम में?
बाबा की कृपा लग रही है, बाबा ने आज बुलाया बरसात में तभी आप आए काशी पास है, क्या बात है, तो बाबा ने उत्तराखंड नहीं बना दिया, क्या बात है, बोलो श्याम प्यारे की।